हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जैसा भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों को, अगर इस टाइप के बच्चों को आप हैंड फीडिंग पर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरह के बच्चों को आपको हमेशा एक जो टेम्परेचर की इनको ज़रूरत होती है उतने में ही रखना होगा। और याद रखिए 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर इन बच्चों को देना होता है। अगर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बच्चे जो हैं उनों की डेथ हो सकती है, और 100% डेथ होती है ऐसे में अगर इस साइज़ के बच्चे आपने हैंड फीडिंग पर लिए हैं और टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। तो इसलिए याद रखिए, अगर इस तरीके के या इस साइज़ के बच्चे अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उन्हें हैंड फीडिंग पर लेने से पहले अच्छे से जांच लें और अपने पास उनका टेम्परेचर मेंटेन करने का पूरा इंतज़ाम कर लें, यानी कि एक ब्रूडर का इंतज़ाम कर लें। और वो ब्रूडर लेने के बाद ही आप इस साइज़ के बच्चों को हैंड फीडिंग पर लें। और अगर जैसे पेरेंट्स फीड नहीं करा रहे और तब आप खुद फीड करवा रहे हैं उन्हें, तो तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एक ब्रूडर का इंतज़ाम करना है पहले, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे। मेंटेन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें बल्ब लगा दिया, आपको एक जो 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर बना के रखना होता है वही आपको ज़रूरत होगी, तभी इस उम्र के बच्चे आराम से बच सकते हैं, नहीं तो उनका बचना मुश्किल होता है। तो याद रखिए, जब भी आप इस साइज़ के बच्चों को लेंगे तो ब्रूडर का इंतज़ाम आप लोग ज़रूर करें। तो बस दोस्तों, ये जानकारी मुझे देनी थी आप लोगों को इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप लोग करना चाहें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू अगेन।